इंदौर जिले में गुंडे माफियाओं के बाद अब जिला प्रशासन राशन माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इसके चलते जिला प्रशासन ने कई राशन दुकानों की जांच कर यहां से दस्तावेज जब्त किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल जिला प्रशासन के अधिकारियों को राशन दुकान की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और करीब 13 राशन दुकानों की जांच की। बताया जा रहा है कि हितग्राहियों के हिस्से का राशन बाजार में खपाया जा रहा था, जिसकी शिकायतों पर जिला प्रशासन ने राशन दुकानों पर छापे मारे और जांच कर दुकानों से दस्तावेज भी जब्त किए। फिलहाल इन दुकानों की जांच जारी है। मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि महू में मोहन अग्रवाल पर कार्रवाई के बाद अच्छे परिणाम आए हैं। इंदौर में भी राशन माफिया सक्रिय थे, जो गरीबों के राशन को बाजार में बेच रहे थे। मामले में 13 दुकानों को सील कर जांच की जा रही है। इसमें आगे और भी FIR हो सकती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी राशन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का काफ़ी निर्देश दिए हैं, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी दिए हैं। और मोहन अग्रवाल पे आप लोगों ने देखा होगा, महू में कार्रवाई हुई है और उसका बड़ा अच्छे परिणाम आया। वहाँ पर इंदौर में भी एक माफिया सक्रिय था, बहुत दिनों से हम लोगों ने अपने सोर्सेज लगा रखे थे उसमें, जो राशन माफिया भरत दवे और एक दीपक दहीगुड़े नाम का व्यक्ति है, इनके द्वारा काफ़ी मात्रा में राशन लोगों से, गरीबों से POS मशीन में अंगूठा लगवा के, और जो मात्रा का अंगूठा लगवाया है उतनी मात्रा न देते हुए, कम मात्रा देते हुए संकलित किया जा रहा था, उसको बाजारों में बेचा जा रहा था। तो ये भी एक तरह का सेम वही मोडस ऑपरेंडी है जो मोहन अग्रवाल यूज़ करते थे महू में। इसमें 13 दुकानों को सील किया था हम लोगों ने। वहाँ के रिकॉर्ड, रजिस्टर, वहाँ का POS मशीन, वहाँ का स्टॉक सब वेरीफाई ऑन रिकॉर्ड लेकर के सील की कार्रवाई की गई थी। वहाँ बहुत इरेगुलरिटीज निकली, उसकी जाँच चल रही है अभी। जांच में गलत अगर पाया जाएगा तो फर्दर और भी FIR सभी होंगी इसमें, अभी जांच चल रही है। खाद्य आपूर्ति जिला अधिकारी RC मीणा पर हुई निलंबन की कार्रवाई के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मीणा की राशन माफियाओं भरत दवे और दीपक धाईगोड़े से संलिप्तता मिली थी, उन्हें अलीराजपुर भेजा गया है। कल की जो कार्रवाई थी मीणा की, जो कि संलिप्तता पाई गई थी दीपक दहीगुड़े से और भरत दवे से, उसके द्वारा कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स को जांच करने से रोका जा रहा था। ये बड़ा आपत्तिजनक होता है ये, कि एक तो फूड कंट्रोलर की रिस्पांसिबिलिटी है कि गरीबों का राशन खाने वाले ऐसे राशन माफियों में कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं शासन गंभीर है इसमें, और अगर फूड इंस्पेक्टर्स ने और एडिशनल कलेक्टर ने कुछ ऐसा पकड़ा है मामला, उसमें आप फूड इंस्पेक्टर्स को डिस्करेज कर रहे हो जांच के लिए, चूंकि आपकी संलिप्तता है उन राशन माफियाओं से, इसलिए उसको कल निलंबित किया है। उनका अलीराजपुर अटैचमेंट किया है, गाड़ी विड्रॉ कर ली गई है, नेम प्लेट हटा दी गई है। और बाकी फूड इंस्पेक्टर्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं सभी, किसी मैं डिप्टी कलेक्टर को दूंगा चार्ज अभी। कुल मिलाकर देखें तो राशन माफियाओं पर भी जिला प्रशासन अपना शिकंजा कस रहा है, और वहीं राशन माफियाओं से सांठगांठ करने वाले अधिकारियों पर भी कलेक्टर नजर रख रहे हैं। MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।